हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की ऊंची पहाड़ियों पर गर्दीप से ही बारिश हो रही है। पूरा क्षेत्र प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है। एक बार फिर अंगीठी सेकने का दौर शुरू हो गया है। श्रद्धालु और पर्यटक इस ठंडे मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं पर इस ठंडे मौसम में श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग अंगीठी सेक रहे हैं। ताकि ठंड से राहत मिले। जिला कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्र ज्वालामुखी, देहरा, कथोग, गुम्मर में चारों तरफ सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ सीरी ज्वालामुखी में पिछले कल से ही फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में है। ठंडी और तेज हवाओं से जहां पर वातावरण पूरी तरह कूल कूल हो गया है। हालांकि माता ज्वालामुखी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह इस ठंड में भी बरकरार है। हालांकि दुकानदारों को मौसम में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, कभी दुकानें बंद करना तो कभी खोलना। दुकानदारों के लिए ठंड का मौसम काफी परेशानी भरा रहता है। आज घना कोहरा छाया हुआ है, काफ़ी ठंड है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और गाड़ियों में आने जाने में भी दिक्कत है। तो इस सब हिसाब से गाड़ियों को जो है काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है, काफ़ी डिले हो रही है। ज्वाला जी में आज बहुत ठंड है, कोहरे का बहुत कहर छाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि धुंध में गाड़ी मोटरों का चलना बहुत मुश्किल हो गया है और ठंड का काफ़ी शीतलहर चली हुई है, बहुत दिक्कत आ रही है। ज्वाला माँ के दर्शन करने के लिए, पर यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। यहाँ पे ठंड का काफ़ी प्रकोप है और धुंध काफ़ी छाई हुई है। PLTV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।